Good morning, my dear students. Hope you all are fine and enjoying the live study yesterday. Now, no need to come on live. Open chapter number 9. It's new chapter because your chapter number 8 has completed. Hope you all have learned all the exercises and question answer of that chapter. Understand very well. Now, this chapter, work and energy. Work means calm, energy means shakti. We all have too many tasks in our daily life, which we call work. And we work because of energy. If we don't have energy, then we don't work. So, let's start this chapter. We eat food to get energy. Hum khana khate hain energy ke liye, shakti ke liye. शक्ति लेने के लिए. There are some food which gives more energy than others. बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं, कुछ खाने ऐसे हुए हैं जो हमें ज्यादा ताकत देते हैं दूसरे खानों से. Example, potatoes and rice will give you instant energy. आलू और चावल हमें तुरंत एनर्जी देते हैं बिकॉज उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. आई ऑलरेडी टोल्ड इन द न्यूट्रिएंट्स चैप्टर. While some other foods like fruits are not enough to overcome the hunger. लेकिन कुछ दूसरे खाने होते हैं जैसे फल हैं, तो इतना काफी नहीं होता कि वो हमारी भूख पूरी तरीके से मिटा सके. We need energy to do work. हमें शक्ति की जरूरत होती है काम करने के लिए. When we are tired, we prefer to sit at some peaceful place. जब हम थके हुए होते हैं तो हम पसंद करते हैं बैठना किसी शांति वाली जगह पर. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी कैन से दैट व्हाट व्हेन वी आर टायर्ड और फीलिंग लैक ऑफ एनर्जी वी प्रेफर नॉट टू डू वर्क. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम थके हुए होते हैं या फील करते हैं शक्ति की कमी, कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है हमारे शरीर में कुछ भी एनर्जी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वी प्रेफर नॉट टू डू वर्क. तब हम वर्क करना पसंद नहीं करते हैं, मन नहीं करता वर्क करने का, राइट. इन अवर डे टू डे लाइफ वी डू अ लॉट ऑफ वर्क. हम डेली बहुत सारा काम करते हैं अपनी डेली जिंदगी में. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के, वी वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम. आप अपना ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए एग्जाम में. Your father does a lot of work on his computer or laptop. आपके पापा बहुत सारा काम करते हैं कंप्यूटर और लैपटॉप पर. रोशन इज पुशिंग द क्लोज डोर. रोशन क्या कर रहा है, जो क्लोज डोर है उसको पुश कर रहा है, बंद करा हुआ डोर को ही पुश कर रहा है. वाइल निखिल इज पुलिंग द स्ट्रेचर, और जबकि निखिल स्ट्रेचर को खींच रहा है. सी इन द पिक्चर, हियर ही पुशिंग द क्लोज डोर एंड हिज pulling the stretcher. In general, साधारण तौर पर, each person is doing some work. हर इंसान कुछ ना कुछ work करता है. We are also doing work right now. You are learning or studying and I am teaching. This work is also work. But scientifically, not everyone is doing work. लेकिन scientific science की language में सभी work नहीं करते हैं. Let us find out. चलो ढूंढते हैं, हाउ इज वर्क डिफाइन इन साइंस, कि साइंस में वर्क किस तरीके से डिफाइन किया गया, कैसे एक्सप्लेन किया गया वर्क को. व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट मूव्स द ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट डी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स द वर्क इज सेट टू बी डन. जब हम फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी चीज पर, देन इट्स मूव द ऑब्जेक्ट. तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपनी प्लेस से मूव कर जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब अपनी प्लेस चेंज कर दे जाता है. फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं या एफ से शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डी से. जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, उस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट चला जाएगा. अगर वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा तब हम बोलेंगे कि वर्क हुआ है. जैसे ये एग्जाम्पल है, ये पुल हुआ हुआ डोर, एक क्लोज डोर है, ये कर तो वर्क रहा है लेकिन साइंस के लैंग्वेज में वर्क नहीं हुआ है, क्योंकि ये डोर तो पहले से क्लोज था, इसने पुल किया, पुश किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन नहीं बदली ना इसने, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ. तो साइंस में अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो समझा जाता है वर्क नहीं हुआ है. अब ये है, स्ट्रेचर खींच रहा है, ये यहाँ पर थी, ये आगे आ गई, तो इट मीन्स वर्क हुआ है इन साइंटिफिक लैंग्वेज लाइक दिस.
दिस वन इज रिमोट, ये यहां रखा हुआ है, राइट, यहां रखा है और हमने इसको फोर्स लगाया, किस दिशा में लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया, यहां लगाया हमने, यहां रख दिया, यहां था, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहां आ गया, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे वर्क हुआ है। अगर हम इस पर पुल कर रहे हैं, ऐसे पुश कर रहे हैं, तो ये अपनी प्लेस नहीं चेंज कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि वर्क नहीं हुआ है इन साइंटिफिक लैंग्वेज, बट इन अवर लैंग्वेज वी कॉल इट्स वर्क ना, हम तो वर्क ही बोलेंगे ना। सो द वर्क डन टू मूव द ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, जो वर्क किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए किया गया है उसको हम एक फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स को एफ से और डिस्प्लेसमेंट को डी से। फोर्स यहाँ पर कितना फोर्स लगाया गया है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क निकल कर आ जाएगा। वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल, जो भी वर्क हम करते हैं उसको हम नापते हैं जूल में, जैसे हम अपनी हाइट मीटर में नापते हैं, और कोई भी दाल वगैरह पल्सेस वो हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में। ओके, सो रीड अप टू दिस, इफ एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड यू कैन इजिली अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड लर्न ऑल द थिंग विच आई हैव टोल्ड।